कभी अश्क अश्क कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको रुसवाई कहें के शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। पाकिस्तान के 92,000 सैनिकों को हमारी देश की सेना ने बंदी बनाया था। कितना? 92,000। जय जय सीताराम। अस्क 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 गम गम अस्क गम, कभी जहर पिया जाता है। अस्क गम कभी जहर पिया जाता है, और तब जाके जमाने में जिया जाता है। कभी अस्क अस्क कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको अरे समझ ना आए यार, इसको मैंने कहा अस्क गम और कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में जिया जाता है, ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें के शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। ऐसे जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कोई विरोधी पार्टी का कार्यकर्ता मिलता है, या हल्के मन से हम कभी समीक्षा करते हैं, तो हम सोच नहीं पाते हैं क्या पाया क्या खोया। मेरे मित्रों, सन 1947 में देश आजाद हुआ। सन 1947, भैया रोक दीजिए थोड़ा देर, रोक दीजिए। सन 1947 में देश आजाद हुआ, और आजादी की प्रक्रिया चल ही रही थी कि उसी समय देश का बंटवारा हुआ, और बंटवारे का घाव अभी पूरा नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने सेना के भेष में कबायली हमला कर दिया, और मेरे भाइयों, 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, कितना? 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आज भी पाकिस्तान के कब्जे में हमारे देश की है। यह काम किसके समय में हुआ? मित्रों, यह काम भी कांग्रेस के ही समय में हुआ, और उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला काम। उसके बाद सन 1962 चीन हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है, और चीन के कब्जे में आज भी 33,000 वर्ग किलोमीटर जमीन है। यह काम किसके समय में हुआ?
कांग्रेस के। सन 1971 में, हिंदुस्तान के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घटी कि पाकिस्तान के 92,000 सैनिकों को हमारी देश की सेना ने बंदी बनाया था। कितना? 92,000। लेकिन मेरे मित्रों, उस समय एक अवसर था, हमारे पास। अगर सशक्त भारत होता, मजबूत भारत होता, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला भारत होता, मोदी वाला भारत होता, तो 92,000 सैनिक जाने के पहले पाकिस्तान के द्वारा जो हमारी जमीन कब्जा करके रख ली गई है, उन सारी समस्याओं का निदान हो सकता था यदि कांग्रेस के प्रधानमंत्री की जगह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री होता, तो 92,000 सैनिक यूं ही ना चले जाते।